फिलहाल आ रहे हैं वैसे तो कम बोलने वाले मगर सुरों में बम फोड़ने वाले, प्लीज वेलकम अनुज शर्मा। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ओ ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए। आ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। ओ किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। अनुज, ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, लेकिन बहुत सी जगहों पर मुखड़ा में और खास करके अंतर के लिंकलैंड के बाद जब तुम आते थे तुम एकदम चढ़ावा गा रहे थे, और वो पैशन, वो इमोशन, वो फीलिंग, वो रोमांस आया नहीं आवाज में। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इस सिचुएशन पर आके, इस गाला में आके तुम्हें इस तरह गाना चाहिए। ये गाना सुनने में लगता है बड़ा सिंपल गाना है, पर इस गाने में एक ऐसी अजीब सी चीज है जो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स भी इसको गाते समय गूफ अप कर जाएंगे। एक तो है इस गाने के लॉन्ग नोट्स, पर स्टैंडिंग नोट्स हैं तो वहाँ आदमी गूफ अप करता ही है। विब्रेटो का करेक्ट इस्तेमाल नहीं है आपकी आवाज़ में, सो समहाउ ये गाना आपको सूट नहीं करा। अनुज, लेट्स सी ऑडियंस क्या बोलती है आपको। आई थिंक अनुज डेफिनेटली लास्ट वीक से बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आया है तुम्हें। मैं इस वीक भी तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि शायद तुम चार गाला मिस कर चुके हो, लेकिन अगले हफ्ते अगर तुम आओ तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। बहुत ही मुश्किल गाना है ये, और वन ऑफ माई फेवरेट में से भी है। इतना टफ गाना मिला है आपको, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। आई बी मोर लीनियंट ऑन यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।